हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीएक्स मोटर रिव्यूज। और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज हम करने वाले एनवीएच और इंजन नॉइस टेस्ट कि इंजन में से कितनी आवाज़ अंदर आती है, और बाहर में जाके भी मैं दिखाऊंगा कि कितनी बाहर आवाज़ है, और ओवरऑल इंसुलेशन कैसा है, टायर के नॉइज़ आते हैं नहीं, वो सब हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, और अगर आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 500 सब्सक्राइबर पर तीसरी गाड़ी का वीडियो आ जाएगा, जो कि आज तक मैंने इसका एक भी वीडियो में नहीं दिखाई। और अगेन मैं स्विफ्ट डिज़ायर का भी 260,000 वाला किलोमीटर्स वाला रिव्यू बनाने वाला हूँ, तो वो तो बाद में आएगा, पर 500 जल्दी से करवा दो तो तीसरी कार का भी वीडियो आ जाए। और चले अभी ये स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ भी आप शेयर करके कमेंट कर सकते हो कि और मैं कैसे वीडियो बना सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको इंसुलेशन में दिखा देता हूँ कितनी क्या कुछ है, वो आपको खुद समझ आ जाएगा। आपको बाहर से कुछ तो मोटर जैसा आवाज़ आ रहा रहेगा, वो पानी के मोटर का है। अगर मैं डोर क्लोज करता हूँ तो बहुत ही कम हो जाता है, इनफैक्ट आपको तो सुनाई नहीं देगा। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है कि हाँ इस साइड में मोटर चल रही है, ऐसा पता चल रहा है, पर इस साइड से आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इंसुलेशन ठीक ठाक है, अच्छी मिल जाती है आपको। तो चलिए अभी सबसे पहले मैं आपको इंजन स्टार्ट करके बाहर से आवाज़ मतलब दिखा देता हूँ, या फिर मैं बाहर जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे इको होगी आवाज़, तो ज़्यादा आपको लगेगी। तो चलिए अभी थोड़ा सा बाहर चलते हैं। और गाइज, मुझे मारुति की और एक चीज़ बहुत रिग्रेट करती है कि बार बार ये प्रेस करके ये ओपन करने पड़ते हैं। हाँ, मैनुअल से तो अच्छा ही है, पर मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक क्यों नहीं कि आप अनलॉक करो और मतलब खुल जाए दरवाजे, और दरवाजे ही बोल रहा हूँ मिरर, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे बार बार प्रेस करना पड़ता है, और बंद करते समय भी ये याद करना पड़ता है कि इसको दबाना है। तो इफ़ इट वाज ऑटोमेटिक अच्छा रहता। तो चलिए अभी मैं बाहर निकलता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो गाइस, मैं बाहर आ चुका हूँ ओपन में। तो अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट करके देख लेते हैं बाहर कितनी आवाज़ आती है। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप स्टार्टअप का आवाज़ सुन चुके हो कैसा है। तो चलिए अभी बाहर जाके बात करते हैं। यस, तो गाइस बाहर आप सुन सकते हो, नॉर्मल डीजल ये है आवाज़, और ये 1.3 लीटर डीजल नहीं है जो हर मारुति में आया करता था, ये 1.5 लीटर डीजल है। और इसका मैं एविडेंस भी दे देता हूँ, काफ़ी लोगों को थोड़ा सा यह रहता है। ये देखो, 6 स्पीड मैनुअल है, नॉट 5 स्पीड। तो 1.5 के हिसाब से ठीक है, नॉइस इतनी नहीं आती। और अगर मैं बोनेट खोल के देखाऊँ तो आप सुन सकते हो रियलिटी में कितनी, यहाँ से बोनेट ओपन होता है। यस, तो आज थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी हर वीडियो की तरह, आप देख सकते हो वाइब्रेशन भी देख लो साथ ही साथ। चलो तो अच्छा है, इस टॉपिक में मैं वाइब्रेशन भी इंक्लूड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो वाइब्रेशन उतना नहीं करता डीजल इंजन के हिसाब से, और नॉइज आप सुन नहीं पा रहे हो। तो अभी चलो इसको बंद कर देते हैं, उससे पहले यहाँ पे इंसुलेशन भी आ जाता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंसुलेशन लगाया हुआ है ताकि कैबिन में नॉइज ना जाए, तो एक अच्छी बात है। चलो, तो ये तो था बाहर का, अभी अंदर चेक करते। ये मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ और ऊपर का एसी भी बंद कर देता हूँ, पीछे वाला, उसकी आवाज़ भी आती रहेगी आपको। तो हाँ, अगर एसी ऑफ है तो थोड़ा बहुत डीजल क्लैटर सुनाई देता है अंदर, नो डाउट। और जैसे ही आप थोड़ी सी एसी चालू कर लेते हो
तो आवाज़ कम हो जाता है क्योंकि एसी का, ऑब्वियसली एसी की आवाज़ बढ़ जाती है। तो अगर इंसुलेशन की और एनवीएच की बात करूं, काफ़ी अंडर कंट्रोल्ड है, बहुत ही अच्छा काम किया है इंसुलेशन पे मारुति ने, इतना बेशक मैं कह सकता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा चलाते हैं, और चलते चलते मैं बताता हूँ कि जब चलती है तब तो रोड नॉइज़ या फिर टायर नॉइज़ आप कह लो कि कैसा है। तो मतलब स्पीड तो उतनी रहेगी नहीं, और देखो अभी मैं 1500 आरपीएम पे आवाज हूँ, 2000 आरपीएम। तो रुको, तो यस गाइस, थोड़ा सा पॉज किया था क्योंकि सीट बेल्ट वार्निंग आ रही थी, तो सीट बेल्ट पहन लिया मैंने। 2000 आरपीएम के आसपास भी इतना आवाज़ अंदर नहीं आ रहा, और इनफैक्ट जब आप थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेते हो, यानी अगर आप 30-40 की स्पीड पकड़ लेते हो तो आवाज़ नहीं आती अंदर बिल्कुल भी। उसका मतलब क्या हुआ कि टायर नॉइज़ है इसमें, और इंसुलेशन इतना अच्छा नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। इस 2000 आरपीएम पे पास भी, हाँ 2000 के बाद इसमें अंदर आवाज़ आ जाती है अच्छी खासी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये 6th गियर में होते हैं तब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता। मतलब इसका आप लगा लो कि आप ये कह सकते हो कि उस टाइम पे टायर नॉइज और रोड नॉइज आ जा रहेगा, इसलिए नहीं मतलब इंजन का आवाज़ सुनाई देता। पर हाँ, और मुझे मतलब 6th गियर इसका ज़्यादा स्मूथ लगता है बाकी सब गियर्स के कंपैरिजन में। और ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा, एक्सीलेटर भी नहीं, कुछ नहीं, अपने आप देखो आप ये स्टीप स्लोप चढ़ रहे हैं। तो डीजल लेने के यही फायदे होते हैं कि मतलब टॉर्क रश अच्छा मिलता है तो मज़ा आता है चलाने में, और पेट्रोल में वही क्लच का और इसका एडजस्टमेंट लगाते बैठो तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है। सो गाइज, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया हो कि एक्चुअली क्या कुछ कैसा है। तो समरी कर लेते हैं हम। देखो जो इंजन नॉइज है वो मतलब बाहर तो है और अंदर भी आती है थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, अभी मैंने एसी बंद कर दिया तो आपको अगेन सुनाई दे रहा होगा, मैं एक मिनट शांत बैठता हूँ। और वाइब्रेशन की बात करनी थी तो चलो अभी डैशबोर्ड पे है हल्के हल्के वाइब्रेशन से, इतने ज़्यादा नहीं है। स्टेयरिंग पे भी ठीक ठाक है, इतने ज़्यादा नहीं है। यस, स्टेयरिंग पे है वाइब्रेशन पर इतने ज़्यादा भी नहीं है, मिनिमल। मतलब आप बोल सकते हो कि वाइब्रेशंस मिनिमल है स्टेयरिंग पे, इतना ज़्यादा मतलब ऐसा सी नहीं होता कि वाइब्रेशन है। स्टेयरिंग के सेंटर में है वाइब्रेशन। और सीट्स की बात करूँ तो सीट्स पे नहीं महसूस होता बिल्कुल भी, और फ्लोर पे भी नहीं होता। डैशबोर्ड पे हल्का हल्का होता है और स्टेयरिंग पे होता है। तो यही था आज के वीडियो में, और सॉरी मतलब इतना लेट करने के लिए। तो ये मैं पहले ही बनाने वाला था, पर सोचा कि वैसे भी 1-2 हफ्ते में मैं एक बार स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उस हिसाब से मैं तभी एक एक वीडियो बनाते जाता हूँ। तो अगला वीडियो के आप कमेंट में कर दो आपको कौन सा चाहिए इस गाड़ी के बारे में, मैं बना दूंगा। और फिर थर्ड कार का भी तो वीडियो आने वाला है, तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स करवाओ, और उसके बाद मैं शायद से स्विफ्ट का 260,000 किलोमीटर्स कंप्लीट होने के बाद रिव्यू बनाऊंगा, उसका भी ओनरशिप रिव्यू या फिर आप लॉन्ग टर्म रिव्यू कह दीजिए, वो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं इस मोटिव के साथ कि घरों में रहिए, सेफ रहिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।